दोस्तों, कैसे हो आप सब? और नवरात्रे आ गए, सुबह से घर घर पूजा होगी माता रानी की, और बहुत अच्छा लगेगा सबको। देखिए, मैंने आपको ये सेब के पेड़ दिखाने थे, ये मेरे दूसरे गमले में शिफ्ट हैं। सेब के पेड़ हैं, और ये जो छोटा सा पेड़ दिख रहा है ये चीकू के हैं, और ये वाले जो हैं ये खवानी के पेड़ हैं। देखिए, चार पौधे हैं कुछ इस तरीके से, और ये जो है लीची के हैं। थोड़ा देर हो गई बनाने में वीडियो, शाम का समय हो गया है, और ये मैंने ऐसे ही लगा रखी है। फ्लावर वाली सदाबहार वाली घास जो होती है, और ये मेरा एक सदाबहार का पेड़ है, उस पर इतने फूल आ रहे हैं। गेट के पास लगा है, ये भी बहुत प्यारा लगता है, इस पर हमेशा फूल खिलते रहते हैं। और आप लोगों को कैसी लगती है मेरी वीडियो? ये देखना, मैंने टन टन ग्रीन वाली लगा रखी है, पूरे गमले में कवर कर रही है। इधर भी ये चीकू के पेड़ हैं, ये देखो, ये इसमें दो पेड़ चीकू के हैं। ज़्यादा जगह नहीं होने के कारण गमलों को कहाँ रखें, यही सोच के परेशान रहती हूँ मैं। बाहर ही रख रखे हैं ये, सड़क के किनारे पे दीवार से। और इस चक्कर में मैंने एक एक गमले में कई कई सारे पेड़ लगा रखे हैं, जैसे कि इसमें दो चीकू के हैं और एक सेब का है। इसमें तीन पौधे चीकू के हैं और एक सेब का है। ये बड़ा सा, ये काफ़ी बड़ा हो गया है, ये भी मेरा 1 साल का पौधा हो गया है। और ये चार पेड़ मैंने खवानी के लगाए थे, जो अभी पिछले साल, अब जो गर्मियों में आएंगी और जो पिछले साल गर्मियों में बीते हैं तब लगाए थे। और ये भी करीब 6-7 महीने के पेड़ हो गए हैं मेरे। और ये कैसी लगी आपको वीडियो, प्लीज़ बताना, लाइक करना, कमेंट करना। ओके, थैंक यू।